अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। फिरौन का और हज़रत मूसा का जो मुकाबला हुआ है फिरौन से, वही मज़मून है जो आज उम्मीद है इख्तिताम को पहुँचेगा। इस ज़मन में जो सवालात हैं ज़ेर पेश नज़र, उन सब के जवाबात अभी तक तो नहीं मिल सके यानी कतई तौर पर, मगर जो मुहक्किकीन हैं उनके लिए ये अभी रास्ता खुला है। इससे पहले जो मुहक्किकीन हमारे काम करते रहे हैं, अक्सर तफासीर तक पहुंचकर वहीं बात को ख़त्म कर देते रहे कि फ़लाँ तफसीर में ये बात है, फ़लाँ तफसीर में ये बात है। हालांकि तफासीर में अहादीस भी हैं, मुस्तनद अहादीस भी, कतई रवायात वाली अहादीस भी, लेकिन ये भी साबित है कि उनमें भी इसराइलियात को दखल हो गया है। और इसराइलियात से मुराद ये है कि वो इसराइली रवायतें जो उस ज़माने में यहूद और दूसरों से मुसलमानों तक पहुँचीं, उनको अगर बग़ैर छानबीन के, इस वजह से कि यहूदी बताते हैं हो सकता है ये हो, उसी तरह बयान कर दिया गया हो, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा का ये एक तयशुदा मौक़िफ़ था। और चूँकि उन रवायात में ऐसी लगवियात भी दाखिल हैं जो काबिल कबूल किसी कीमत पर नहीं हैं, कोई माकूल इंसान ना मौजज़े के तौर पर उन्हें कबूल कर सकता है, ना इंसानी तजर्बे के लिहाज से उनको दुरुस्त करार दे सकता है। आजकल जो मुख्तलिफ लिखने वाले हैं इस ज़माने में, उन्होंने ये हवाले उठाए हैं, बाद ऐसी रवायात हैं कि वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हैं, लेकिन राह पा गई हैं। तो ये इस्तंबात करना उसूलन गलत है कि अगर हदीस की कुतब में रवायत के लिहाज से मोतबर रवायात आखिरी बात को आखिरी जीने के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लम तक पहुंचाती हैं या मुख्तदर सहाबा तक पहुंचाती हैं, तो वो बात ऐसी मुस्तनद हो गई कि लाजमन हमें कबूल करनी चाहिए। ये असूल काबिल कबूल नहीं है। यही इस पे मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। और इस सिलसिले में अंदरूनी शहादत को देखना लाजिम है, और अंदरूनी शहादत में फ़ैसला कुन बात क़ुरान करीम का अमूमी बयान और हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत है, जो क़ुरान से ज़ाहिर व बाहिर है। हकीकत में क़ुरान और रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत दो ऐसी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जो क़ुरान में बयान है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने करके दिखाया है, यानी ज़िंदा क़ुरान के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लम है एक किस्म का। तो इस पहलू से ये है फ़ैसला कुन बात। इन दोनों से टकराती हुई बात अगर कोई, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और हदीस से या क़ुरान से टकराती हुई बात ऐसी नज़र आए जिसकी असनाद दुरुस्त हैं, तो फिर हमें गुंजाइश ये निकालनी पड़ेगी कि उन असनाद के फहम में कहीं कसूर हुआ है, रावी ने जो बयान किया उसको सुनने में शुनीद का कोई कसूर हुआ है, या फिर वो इसराइलियात हैं। और इसराइलियात को बयान करना तो मना नहीं था, लेकिन उसकी सनद नहीं है। ये है मज़मून। इस पहलू से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आकर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में अगर ऐसी बातें दाखिल हो गई हों जो साइंसी नुक्ता निगाह से उस ज़माने की शुनीद हों, उस पर बिना करके अगर बाद में उनकी दुरुस्ती कराई जाए, तो कोई ये कहे कि तुम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मसीह मौऊद के मुकाबले पर बयान कर रहे हो, ये एक बिल्कुल लगव तरीक़ है, गैर माकूल तरीक़ है। अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन रवायात को कबूल कर लिया हो, क्योंकि और उसके मुकाबले पर कोई थी नहीं जो अब तफासीर में आई हुई हैं, और उन पर बिना करते हुए एक तसव्वुर बांधा हो, और बाद में जो हकायक दरियाफ्त हों पता चले कि वो ये बात नहीं बल्कि यूं होनी चाहिए, उस पर कोई मौलवी मिजाज अहमदी उठकर कहे कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मसीह मौऊद को तुम गलत करार दे रहे हो,
अगर इस इस्तदलाल को कबूल किया तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लम तक पहुँचेगी। इसलिए मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ कि अपने तबसरे को लुगाम देकर अदब के दायरे में रखना चाहिए और अक़ल के दायरे में रखते हुए अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि एक नबीउल्लाह या उसकी पर उसकी तरबियत में पलने वाले अपने ज़माने की बाज़ बातों को कबूल कर लें इस वजह से कि वो रवायतें पहुँची हुई हैं और मुकाबले पर उनको रद्द करने की कोई कतई शहादत उनके पास नहीं है। तो मासूमियत से उन बातों को कबूल कर लेना गुनाह नहीं है, ना ही उन बातों के लिए सनद बन सकता है कि वो लाजमन दुरुस्त हैं। मैं इसकी एक मिसाल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताब राहिन अहमदिया से देता हूँ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जहाँ मुर्दा को मौत से ज़िंदगी पैदा करने का मजमून छेड़ा है आरियों के मुकाबले पर, वहाँ फरमाते हैं कि ये तो रोज़मर्रा का मुशाहदा है कि मौत से ज़िंदगी पैदा होते हम देखते हैं। इसलिए ये कहना कि मौत से ज़िंदगी पैदा हो नहीं सकती ये गलत है। और मुशाहदा ये है कि बरसात के बाद जबकि पूरे सूखे हुए जौहर जिनमें कोई ज़िंदगी नहीं होती, बरसात के बाद वो जाग उठते हैं और उनमें कई किस्म के कीड़े मकोड़े हमें चलते फिरते दिखाई देते हैं, मेंढक तक निकलाते हैं। अगर मुर्दा से ज़िंदगी ज़िंदा नहीं पैदा हो सकता कुछ भी नहीं, तो ये क्या वाक़ हम देख रहे हैं? ये मुशाहदा दुरुस्त है, लेकिन उस ज़माने में अभी साइंस ने ये तहकीक मुकम्मल नहीं की थी या इसका चर्चा इतना नहीं हुआ था कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तक पहुँचे कि वो जो मिट्टी से ये ज़िंदगी उगती हुई दिखाई देती है वो दरअसल बीज हैं उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ शक्लों में, और वो ताज़ा हुए हैं, वो ज़िंदा हुए हैं, बस कतई तौर पर मुर्दा से नहीं बल्कि ज़िंदगी के बीज से ज़िंदगी पैदा हुई है। ये है एक मिसाल। अब बताएं उलमा क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? वो ये कहेंगे कि सारे साइंसदान झूठे हैं और मुसलमा हकीकत जो अब तमाम दुनिया में हर तरफ मकबूल हो चुकी है कि ज़िंदगी के बीज से पानी के नतीजे में ज़िंदगी पैदा होती है। अगर ज़िंदगी का बीज किसी शक्ल में भी मौजूद ना हो तो ये हम नहीं देखते, और ये कदीम से आज तक जो होता चला है इसी ने तो साइंस को मुसीबत में डाल रखा है। तमाम मुशाहदात के बावजूद एक भी ऐसा सबूत नहीं मिल सका कि अचानक ज़िंदगी के कुल्लियातन फुकदान के बावजूद कोई चीज़ जी उठे। और ज़िंदगी चूँकि मिलती है, और ये भी यकीनी है कि इससे पहले ज़िंदगी का कुल्लियातन फुकदान था, क्योंकि आग और जहरीली हवाओं का एक मुजस्मा सा था यूला, आग के शोले थे, गैसें थीं। इस सूरत में ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, और ठंडा होने के बाद उसमें रफ्ता रफ्ता इम्कान पैदा हुए जो अरब अरब साल के बाद हुए कि इसमें कुछ ना कुछ उग सके, कुछ ज़िंदगी पैदा हो जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दलील उस मुशाहदे पर तो मबनी नहीं बनेगी, लेकिन इस मुशाहदे पर मबनी बनती है। इसलिए लोग ये नहीं समझते कि जब हम ये तफसील बयान करते हैं तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नऊज़ बिल्लाह तकज़ीब नहीं कर रहे, बल्कि वो दलील मुहैया कर रहे हैं हुज़ूर की खिदमत में जो उस वक्त आपके इल्म में नहीं थी, बाद में हमारे इल्म में आई। तो ये कहना कि वो दलील उस शक्ल में दुरुस्त नहीं, ना गुस्ताखी है, ना तकज़ीब है, ना आपके मौक़िफ़ को कमज़ोर करने वाली बात है, बल्कि और ज़्यादा कतई बनाने वाली बात है कि ज़िंदगी का जब कोई वजूद किसी शक्ल में मुमकिन ही नहीं था, और साइंसदान जो ख़ुद कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी का बीज ज़रूरी है, उस वक्त ज़िंदगी का बीज भी नहीं था। वो देख रहे हैं कि ज़िंदगी अचानक रुनुमा होती है और फूट पड़ती है और सारी कायनात ज़मीन पर हावी हो जाती है। जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़, आपका मसलक, आपका मिशन,
उसको तकवीयत देने के लिए आपकी एक दलील से दूसरी दलील की तरफ मुंतकिल होना और आपके मौक़िफ को ज़्यादा कतई और मजबूत बनाना मेरे नज़दीक ये वफ़ादारी है, और बाज़ उलमा के नज़दीक ये नऊज़ बिल्लाह में ज़ारिक मसीह मौत से आगे बढ़कर बातें बनाने वाली बात है। बिल्कुल इसी नुक्ते निगाह से हम हज़रत यहिया वाले वाक़या को भी देखते हैं, मगर वहाँ निस्बतन ज़्यादा हमारे हक में शवाहिद मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने इरशादात से मिलते हैं। हज़रत यहिया के मुतल्लिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह तो यहाँ तक लिखते हैं कि देखो उसने जो तेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की उसके नतीजे में फिर आखिर उसका सर कटा और वो पेश हुआ। ये बहुत तेज़ हवाला है, मैं आज यहाँ से बात करके फिर मैं वापस उसी मूसा वाले वाक़े की तरफ वापस जाऊँगा, असूली तौर पर समझाना चाहता हूँ। इस वजह से मुझे इसका ख्याल आया कि ज़रूरी है कि आज जो रवायात मिली हैं हमान और वो क़ारून वगैरह के ताल्लुक में, उनमें इस कसरत से ऐसी रवायतें हैं जिनको भेजने वाले ख़ुद कहते हैं कि तो काबिल कबूल ही नहीं, मगर हमने इकट्ठी करके भेज दी हैं ताकि आप ख़ुद इस्तेमाल कर सकें। उस पर मुझे ख्याल आया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो पहले बहसें बाज़ उठाई जा चुकी हैं उन पर मैं रोशनी डालूँ और अपने मौक़िफ़ को मतलब समझा दूँ कि क्या मौक़िफ़ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो लिखा है वो दरअसल एक मुनाज़रे के ताल्लुक़ में है, एक ऐसे मद्द मुक़ाबिल से बात हो रही है जो नहायत ख़बीसाना हमला आपकी ज़ात पर कर रहा है और कहता है तुम्हारी ज़ुबान गंदी है, तुम बड़े सख्त कलाम हो, तुम गुस्ताखियों से बात कर, तुम्हारी ज़ुबान में गालियाँ हैं और ये तुम नबी होने का दावेदार हो और ये तुम्हारी ज़ुबान है। इस किस्म के लोग उस वक्त भी हमले कर रहे थे, अब भी कर रहे थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसको बताते हैं कि तुम्हारे मुसल्लमात में तुम्हारी तरज अगर इख्तियार की जाए तो फिर यूं पेश होगा कि यहिया को देखो कैसा बदकलाम था और इस हद तक गुजरा, आगे बढ़ गया था बदकलामी में कि उसी के नतीजे में उसका सर कटा और तश्रीफ पर सजा के पेश किया गया। तुम इसको कबूल कर लोगे इस तर्ज अमल को? ज़ाहिर है कि यहिया के हवाले से चूंकि वो इज़्ज़त करते थे नबी के तौर पर, उनको इस तर्ज कलाम से सख्त तकलीफ़ पहुंचती है और इसको भी उन्होंने एतराज़ का निशाना बना लिया। और अहमदी अपनी मासूमियत में इस मौके को नहीं समझ रहे बाज़ कि ये एक मुनाज़राती गुफ्तगू है, मुनाज़रे का रंग है और ख़सम को मुकाबिल को मद्दे मुकाबिल दुश्मन को उसकी उस तरह से समझाया जा रहा है जो मसीह मौत के मुकाबल पर उसने इख्तियार की थी कि अगर ये तरह जायज़ है और शरीफाना है तो फिर ये नतीजा निकलेगा कि यहिया के मुतालिक हमें ये बात कहनी पड़ेगी। इसको ऐसी दलील बना लेना कि गोया मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कतई मौक़िफ़ था और साबित हो गया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नज़दीक यहिया का सर तश्तरी पर लगाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गुस्ताखियों की बिना पर ये पेश किया गया, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमला करने के मुतरादिफ है। जबकि दूसरी जगह आप ये फरमा चुके हैं कतई तौर पर कि मेरे नज़दीक एक भी नबी का कत्ल साबित नहीं। बस अगर साबित नहीं तो फिर ये ज़ुबान इतनी तेज़ कहाँ से आ गई जो बड़ी तेज़ी के साथ एक नबी के कत्ल की बात करती है? ये वही कमफहमी है जो मैं अहादीस के हवाले से आपके सामने रख चुका हूँ, इसराइलियात के हवाले से रख चुका हूँ। उन रवायतों को जो मद्दे मुकाबिल पेश किया करते हैं और अमूमन रिवाज पा गए हैं उनको कबूल करते हुए एक जवाबी हमला दुश्मन पर करना, ये हरगिज साबित नहीं करता कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये कतई मौक़िफ़ था। जबकि दूसरा मौक़िफ़ इस बात के मुतल्लिक वाज़े हो गया है कि यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, तो फिर वो यकीन वहाँ कहाँ रहा? मगर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब पढ़ते वक्त मैं आपको बता रहा हूँ इन बातों का समझना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एक है क़िताल जो तलवार से किया जाता था, एक वो क़िताल है जो कलम से किया गया है, और वो क़िताल जो तलवार से किया जाता था उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दुश्मन जिस किस्म के सलूक किया करते थे वैसे ही जवाबी हमले किए जाते थे और ज़्यादा ज़ालिम को फिर ज़्यादा सख्ती से कुचला जाता था।
तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो कलम का जहाद है उसमें आपकी ये जलाली शान नज़र आती है कि इस्लाम के दुश्मनों पर उन्हीं तलवारों से हमला किया जो तलवारें उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ उठाईं, लेकिन इसमें आपका अंदरूनी मिजाज, वो शख्सियत, गहरी शख्सियत जो जहाद अकबर में उभरती है, तरबियत के दौरान उभरती है, वो दिखाई नहीं देती। और जो हमले के वक्त जब खून भी बहाया जाता है तो बाद नाजुक तबीयतों पर बार गुजरता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला रसूल सल्लम के मुतलिक फरमाता है युस्कना और युस्कना फिल अर्द, पूरी आयत क्या है, नहीं जायज़ रसूल के लिए किसी ग़ुलाम बनाना हत्ता युस्कना फिल अर्द। अब रसूल एक खून बहाता हुआ भी दिखाई दे रहा है कुरान करीम में। अब उस लम्हों को देख कर जब रसूल सल्लम लड़ रहे हैं, आपके किरदार का तसव्वुर बांधना गलत है। वो एक ख़ास हालात में, ख़ास मौके पर जो दलेरी और बहादुरी, वो इस्तंबात जायज़ है, मगर ये कि नऊज़ बिल्लाह आप जंगजू थे, हर वक्त लड़ते रहते थे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सख्त गिर हवालों से आपकी ज़ात की असली कैफियत और अंदरूनी शान ज़ाहिर नहीं होती। वो देखनी है तो आपके उस कलाम में देखें जो बनी नौ इंसान की तरबियत के लिए आपने फरमाया, जो इस्लाम की खूबियों के ज़िक्र में फरमाया, जो इस्लाम के पोशीदा और वो राज जो लोगों की नज़र में नहीं थे उनको उभार कर, गुमशुदा यानी दफन मदफून खुदानों को बाहर निकाल कर अपनी कुतुब में पेश फरमाया, देखें वो शख्सियत कैसी मुख्तलिफ है। वो शख्सियत जब बग़ैर लड़ाई के अपना ज़ाती तासुर अम्बिया के मुतलिक बयान करती है तो कैफियत ही और है। हज़रत मसीह से ऐसा इश्क है और इतनी अजमत उनकी दिल में है कि आप यहाँ तक फरमाते हैं कि हज़रत मसीह का कि ये जो इल्तिजा थी कि ये हो, उसका जिस तरह हज़रत इब्राहिम की दुआ का जवाब मोहम्मद रसूल सल्लम है, उस तरह हज़रत ईसा की दुआ का एक मज़र बनकर गोया पहला मसीह जो दोबारा ज़ाहिर हुआ हकीकत में, पहले मसीह से बढ़कर शान में मगर मसीह के तौर पर, वो हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह है। और अहमद नाम पाना ये इस बात को साबित करता है। फिर वही मसीही गिरिया उजारी जोश मारती है तो मसीह मौऊद ज़ाहिर हो जाते हैं। फिर और भी एक ऐसा वक्त आएगा क़ुर्ब क़यामत के वक्त कि एक दफ़ा और मसीह ज़ाहिर होगा, मगर वो ऐसा मसीह होगा जो जलाली पर इंतज़ार करने के बाद बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, कोई उसको कबूल नहीं करेगा। और उसका कामिल रद्द जो है वो इंसानियत की सफ लपेटने पर मुंतज होगा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अम्बिया के मुतल्लिक कलाम जो मुनाज़रे से अलग है, वो आपकी असल आपका तर्ज अमल उनकी तरफ, उनका जो मकाम और मर्तबा आपके दिल में था, वो तो इतना अजीम शान है कि रसूल सल्लम के की औलाद दर औलाद दर औलाद के लिए भी आप फिदा होते दिखाई दे रहे हैं। बस इस ऐसे शख्स के मुतलिक एक हिस्सा वो निकाल लेना जो मुनाज़राती है, जिसमें हज़रत अली के मुतलिक आता है कि मुर्दा अली को छोड़ो, जिंदा अली की तरफ आओ, इसको बनाकर इश्तियाल अंगेजी से काम लेना नहायत बेवकूफ़ी है। जो गैर बेवकूफ़ी करते हैं उसमें अपने मुबतला ना हो, ये समझाना चाहता हूँ, वरना बहुत दिक्कतें पैदा कर लेंगे अपने लिए भी और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मसलक के लिए भी। ये तफरीक करें कि जहाँ मुनाज़राती कलाम है वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो कलाम है वो जवाबी हमला है, और ऐसा हमला है जिसको कुरान करीम की तालीम के मुताबिक आपने ढाला है। वह शर्रद बही मन खल्फा हूँ, ऐसी सख्त जवाबी कार्रवाई करो फिर कि जो पिछले हैं वो भी डर जाएं और खौफजदा हों कि इस बतले जलील के सामने नहीं आना चाहिए। उस वक्त की जो ज़ुबान है वो एक ख़ास मौके और महल के मुताबिक, इक्तज़ाए हाल के मुताबिक नहायत फसीह बलीग है। लेकिन एक अहमदी बच्ची पढ़ेगी आज, आज की नस्ल के बाहर के लोग जब पढ़ेंगे तो जब वो हमला देखेंगे तो वो घबरा जाएंगे। मैंने दांत का ऑपरेशन होते देख कर एक आदमी को बेहोश होते देखा है, तो बाज़ों में ये हौसला नहीं होता
कि लड़ाई के दौरान के मनाजिर को हौसले से कबूल करें, और वाक़ियतन इसमें घबरा जाते हैं। मुझे बाज़ार लिखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की एक तो ये शख्सियत है कि गालियां सुन के दुआ दो, पाके दुख आराम दो, और दुश्मन को भी मैं गालियां देता हूँ, दूसरी तरफ ये ज़ुबान है, हम तो भिन्ना गए हैं, क्या करें। उनको मैं समझाता हूँ कि देखो ये जो ज़ुबान है किस मौके पर है, ये भी तो देखो, एक दुश्मन इससे 10 गुना कम अज़ कम या उससे भी ज़्यादा सख्त और ज़ालिमाना अल्फाज में रसूल सल्लम पर हमलावर हो रहा है, उसके दिफा के लिए एक आशिक का दिल इतना भी जोश न दिखाए कि इसी तर्ज कलाम इख्तियार करे कि दुश्मन के अपने मफरूजों की रूह से उस पर जवाबी हमला किया जाए। ये है असल राज हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कलाम के तर्ज में फ़र्क का। इसको समझ लें तो ये बात समझ आएगी कि हर दफ़ा जो जवाबी हमला किया है, जो अहमदियों को बाज़ दफ़ा लेकिन अक्सर गैरों को बहुत सख्त दिखाई देता है, उन्हीं की तलवारों से किया गया है जिन्होंने रसूल सल्लम पर हमला किया था, अपनी नई तलवार ईजाद नहीं की है। उसको दुश्मन को निहत्ता करके उसका वो हथियार पकड़ लिया है कि इन हथियारों से तुम मोहम्मद रसूल पर हमले करते हो, अब मैं इन्हीं हथियारों का मज़ा तुम्हें चखाता हूँ, अब इनकी तेज़ धार का मज़ा चखो, देखो किस तरह ये खून बहाती हैं। और अपने जवाब में भी बहुत कम, लेकिन जब भी की है सख्ती वो इसी उसूल पर की है, और एक भी इस्तिस्ना इसमें आप नहीं देखेंगे। दुश्मन का मौक़ उसके इस्तेमाल शुदा हथियारों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर थामा है, वो मुस्तकिलन आपके हथियार नहीं थे। और जिस तरह एक लड़ाके को निहत्ता करके उसकी तलवार छीन के उसी से सर कलम किया जाता है, ये वो अंदाज़ है। अगर आप इसको समझ लें तो कहीं इशारतन भी आपके दिल में कोई मुतज़ाद ख्याल पैदा नहीं हो सकते कि इतनी अजीम रहम दिल मुशफिक हस्ती, इतनी साबिर जो बख्शती है और बख्शने की तालीम देती है, जिसकी सारी सीरत अदना अदना ग़ुलामों पर भी बे इंतहा रहम करम और बड़े बड़े कसूरों को भी नज़रअंदाज करने वाली है, वो यहाँ क्यों ऐसी सख्त दिखाई दे रही है। इस हकीकत को अगर समझ जाएंगे तो तजादात का मज़मून सारा हल हो जाएगा। और ये बात मैं फिर इसरार से कहूँगा कि वफादारी ये है कि मकासद की खिदमत की जाए, लफ्ज़ी तौर पर अगर बशरी ऐसी कमज़ोरी वाक़या हो जो अम्बिया की शान के ख़िलाफ़ नहीं है, और कथित तौर पर साबित हो कि उस हथियार के ज़रिए मसीह मौत की खिदमत अब नहीं हो सकेगी बल्कि उल्टा मसीह मौऊद अलैहि सलाम के मौक़िफ़ को ज़ख्मी करेगा, उसके बदले एक और ताकतवर हथियार उसी मौक़िफ़ को साबित करने के लिए अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की खिदमत में पेश किया जाता है या आपकी तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको लोग कहते हैं जी तज़ाद पैदा हो गया, तुमने ये कह दिया वो ये कह दिया, बिल्कुल गलत है। इसको समझ लें फिर कजबैसियों से आपको निजात मिलेगी। वाज़ह मिसाल मैं दे चुका हूँ मौत से ज़िंदगी पैदा होने का, एक इस्तदलाल हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने फरमाया, आज हम देखते हैं कि वो इस्तदलाल मुशाहदा से तयशुदा हकीकतों के रूह से दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा। बस अगर नबी से ऐसी गलती नहीं हो सकती तो फिर तुम किस तरह मसीह मौऊद अलैहि सलाम को उम्मती नबी मानोगे, ये सवाल उठता है। अब उम्मती नबी हो या किसी मुकाम का नबी हो, वो उन हकायक पर बिना करके जो उसे दिखाई देते हैं अगर नतीजा सही निकाल, बात जो दावा करता है वो सही है, दावा नहीं बिगड़ने देता, और उनको उस दावे की ताईद में बतौर खिदमत के इस्तेमाल कर लेता है, तो ये हरगिज़ नबी की शान के मुनाफी नहीं है। तमाम मौजूद इल्म को कुरान की खिदमत में और अपने दावे की खिदमत में लगाना एक माकूल बात है। वक्त अगर बदल जाए और वो चीज़ें जिनसे खिदमतें ली गई थीं वो उस मौक़िफ की ताईद ना करें जो पेश किया गया था, लेकिन उनसे कभी नए उलूम उसी मौक़िफ की ताईद पर खड़े हो जाएं, तो उनसे हटकर उनको कबूल कर लेना। किसी के नज़दीक अगर मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम की गुस्ताखी है और बेवफाई है तो बहुत ही जाहिल इंसान है। वफा और
इज्जत और एहतराम का तकाजा है कि मौक़िफ़ की हिफाजत की जाए और ये साबित किया जाए कि पहले बाज़ उलूम बयान करने वालों की वजह से गलत निकले, बावजूद इसके अल्लाह की शान देखो कि मौक़िफ़ पहले से बढ़कर शान से पूरा हो साबित हो रहा है। ये समझाने के बाद मैं समझता हूँ इस पर अब मज़ीद गुफ्तगु बेकार है। फिर अगर कोई इसरार करता है तो दिल की बीमार भी तो हैं, टेढ़ी सोचों वाले लोग होते हैं, बात सादगी में बात बारीक बातें समझते ही नहीं, तो उनका मामला खुदा के साथ है। अगर उनके नफ्स की बीमारी ने उनको ऐसी सोचों पर मजबूर किया तो फिर वो पकड़े जाएंगे। अगर सादगी और जहनी बीमारियों ने, नफ्स की बीमारी नहीं बल्कि जहन की बीमारी ने उनको बेचारों को ऐसी ऐसी बातें करने पर मजबूर किया हुआ है तो कोई हर्ज नहीं, करने दो। अल्लाह ताला का मामला उनसे एहसान ही का होगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब मैं एक गलती की दुरुस्ती करना चाहता हूँ। इसका फेल क्या है? इनका पढ़ना, कुरान करीम की एक आयत का मैं तर्जमा दुरुस्त करता रहा हूँ मगर गलत लफ्ज़ समझ कर, और मैं शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे उलमा मुझे मेरी बार बार की नसीहत के नतीजे में फ़ौरन तवज्जो दिलाते हैं। इक्ज़े फ़ीहे वाला जो मज़मून चला था उसमें मैंने इक्ज़े को अलग लफ्ज़ समझा था और फ़ी को अलग, और क़ज़ा यक्ज़ी जो फ़ेल है अरबी में वो आँख में तिनका पड़ना यानी डालने का मज़मून तो है मगर वहाँ कुरान करीम में ये पेश नज़र नहीं है। वहाँ इक्ज़िफ़ एक लफ्ज़ है, कज़फ़ा यक्ज़िफ़ों से। इक्ज़िफ़ी है का मतलब है इक्ज़िफ़ी एक लफ्ज़ है और हे दूसरा लफ्ज़ है। मैं मुद्दत से इस गलतफहमी में शिकार रहा हूँ, तर्जमा इसका इक्ज़े को अलग लफ्ज़ समझ के और फ़ी को अलग समझ के करता रहा हूँ, और ये अल्लाह का एहसान है कि कल जब मैंने तफसील बयान की तो फिर मैं मेरी गलती पकड़ी गई, वरना तर्जमे में ना पकड़ी जाती। इसी का तर्जमा जो कुरान करीम का मैं करके भेज चुका हूँ वो चूँकि इसके मुताबिक ही है इसलिए उलमा ने इस तरह तवज्जो नहीं दिलाई। उस वक्त जब तफसील से मैंने दोनों को अलग अलग जुदा दिखाया तब बाज़ हमारे उलमा ने, मसलन रफ़ी जमील साहब हैं, जमील अहमद रफ़ी, जमील रहमान रफ़ीक और मुसले मुबारक मुसलुद्दीन जिनको बाद क्या कह देते हैं मजाक से कहा करते थे मुबारक, वो चूँकि बचपन में उनको जब शुरू शौक़ है सालियत का और इन बातों का तो मुसले माउद भी बाद लोग बचपन में उनको छेड़ा करते थे, जिस तरह डॉक्टर साहब को डॉक्टर तकवा कह देते हैं तो ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये इस तरह की छेड़छाड़ रफ्ता रफ्ता फिर उस मज़मून में दाखिल हो जाती है जिसमें कुरान ने सख्त तंबीह फरमाई है कि ला तनाबज़ू बिल अल्फाज़। तो मुबारक मुसले उद्दीन हैं और उनको चूँकि लोग उनकी ख़ास नेक अदाओं की वजह से और सालियत पर इसरार की वजह से मुसले मौत भी कह दिया करते थे, तो चूँकि मैंने सुना हुआ था बाज़ दफ़ा गलती से वाकियातन उनका नाम में पहले मुस्लिम मौद आता है दुआ लेकिन मैं माजरत के तौर पर पेश कर रहा हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना मुनासिब बात है, इस किस्म के नाम रखना अच्छे नहीं। प्यार के साथ मोहब्बत के साथ छोटे दायरे में जो नाम इस्तेमाल होते हैं वो कुरानी तालीम के मुनाफी नहीं हैं। कुरान करीम उन नामों की मनाही फरमाता है जो नाम दिलों को दुख देने वाले हैं और किसी किस्म का ज़ख़म लगाते हैं, वरना अरब में रसूल अल्लाह सल्लम के ज़माने में भी छोटे छोटे नाम राइज थे। ये अबू हुरैरा भी तो इसी किस्म का नाम है, बिल्ली का अब्बा, तो मगर वो चूँकि उसमें कोई भी ज़ख़म का पहलू नहीं था इसलिए वो काबिल कबूल थे और उस मज़मून में नहीं आते। तो बहरहाल मुबारक मुसलहुद्दीन साहब ने भी, दोनों ने इसी मज़मून की तरफ तवज्जो दिलाई है कि आपने इक्ज़े फ़ीहे में इक्ज़े को अलग फ़ेल समझा और फ़ीहे को अलग लफ्ज़।
उसमें और उसकी बिना पर वो तफसीर बनी है, लेकिन ये साबित शुदा है, तमाम मुहक्किकीन तस्लीम करते हैं कि ये कज़ा यकज़ी से जो आँख में तिनका डालने वाली बात है उससे नहीं निकला ये, बल्कि कज़ाफा से निकला है। आँख में तिनका वाला कोई उन्होंने मज़मून बयान नहीं किया, क्योंकि मेरे जहन में वो हुआ करता था कि अगर आँख में तिनका पड़ जाना और तिनका डालना कज़ा से निकलता है तो हो सकता है उसी लफ्ज़ के एक लंबे किए हुए माने ये हों कि इसको संदूक में डाल दो या संदूक को दरिया में डाल दो। ये वजह थी मेरी गलती की, और थी गलती बहरहाल। इन्होंने फरमाया है कि कज़ाफा से निकला है, कज़ाफा यक़ज़िफ़ो का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में रख देना, तो वो तफसीर भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। अब ये एक मिसाल है कि मैंने मासूमियत में गलती की है और उसके नतीजे में वो तफसीर ख़त्म हो जाती है जो ज़ौकी लुत्फ पैदा करने वाली है, मगर असल जो बुनियादी बात है वो फिर भी उसी तरह रहती है। तो अगर ये मुझे तवज्जो दिलाएं तो इसमें गुस्ताखी कौन सी है, एहसान है। क्योंकि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, हम मुसलसल तालिब इल्म हैं और बड़े बड़े माहरीन मसल यही लिखने वाले, उनमें से बाज़ का मैं मिसाल नहीं देना चाहता इस वक्त, मगर एक बात मुझे लिखी, मैंने उनको बताया कि आपका ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं, ये यूँ है, तहकीक से ये बात साबित है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो सुभान अल्लाह सबसे अच्छा कलमा है इस मौके पर कहने वाला, अल्लाह की ज़ात ही पाक है और ऐसी गलतियों से कोई पाक नहीं है। ज़रूरी ये है कि जब गलती का इल्म हो फौरन कबूल करो, वरना तुम तालिब इल्म नहीं रह सकते, और अगर तुम तालिब इल्म नहीं रहे तो तुम मौलिम भी नहीं रह सकते। रसूल सल्लम ने तालिब इल्म और मौलिम को इतना मज़बूती से बांध दिया है, एक रहोगे तो दूसरे बनोगे। इसीलिए जो आहदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुरान करीम में आता है कि दरस्ता वाली आयत वो तो पढ़ा करता हूँ तिलावत में, जब एक मज़मून जहन में तेज़ी से घूम रहा हो ना तो अच्छी भली याद वाली चीज़ें भी एक तरफ रह जाती हैं, उस चक्कर में नहीं आ रही होती हैं, तो फौरन वो याद नहीं आती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुरान करीम बताता है कि इनसे पूछो, दरस्ता क्या तूने इसका दरस्त कर दिया, तो जवाब में वो कहते हैं दरस्त कर दिया, खूब दरस्त किया है। निकालें वकाल का नुसरफुल आयात है वाले यकूल दरस्त था वाले नुबैना हुले कौमी यालमून, यही है ना, हाँ वाले यकूल दरस्त था। इस तरह हम रसूलुल्लाह को सिखाते हैं बातें, ऐसी ऐसी अजीम बातें सिखाते हैं कि वो ये कहें दरस था, हाँ हाँ तूने दरस का हक अदा कर दिया। इस मज़मून पर मेरा ये मुझे यकीन था कि दरसा का एक माना ये भी है कि पढ़ा दिया, और एक माना तो है ही कि सीख लिया। तो आमतौर पर उलमा ये कहते हैं कि दरसा जो है ये सिर्फ सीखने के मानों में है, सिखाने के मानों में नहीं, मगर इस आयत की शान नहीं उभरती पूरी अगर इसमें दोनों मान न पाए जाएं। तो फिर जब मैंने तहकीक की तो हज़रत इमाम राजी के हवाले से भी मिल गया और दूसरे हवाले भी मिल गए कि दरसा का अक्सर मारूफ माना तो सीखना है, लेकिन एक माना इसका सिखाना भी है। और इस आयत में ये मतलब बनेगा फिर वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, यहाँ बैन ही चश्मा होती है कि तूने जैसा सीखा वैसा सिखाया भी, कमाल कर दिया है। वल यकूलु दरस्ता, ताकि इस शान से तू इन पर इरफान की बारिशें बरसा कि ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि तूने अपने रब से सीखा भी खूब और हमें सिखाया भी खूब। तो ये वही हदीस की बुनियाद इस आयत में नज़र आ जाती है कि सीखोगे अच्छा सीखोगे तो अच्छा सिखाओगे, लेकिन ज़िद से या अपने नफ्स की अनानियत की वजह से किसी हक की बात को कबूल न करना कि मेरे ऊपर हरफ आ जाएगा, ये जहालत है जिससे जमात को पनाह मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बस मैं इनका ममनून हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने तवज्जो दिलाई, मुबारक मुस्लिउद्दीन साहब ने भी और जमीलुर रहमान रफ़ीक ने भी, ये उनके हैं ना, ये रख लें।
अब कल वाला मजमून, बातें इतनी निकलती जाती हैं बीच में और इतना मज़ा आ रहा होता है उन बातों का कि असल जो तस्वीर का धागा है वो छोड़ छोड़ के रास्ता कभी इधर निकलना पड़ता है कभी उधर। उम्मीद है लोग इससे उन्हें पसंद बोर तो नहीं होंगे इस बात से, ये भी मज़ेदार बातें हैं सारी, नहीं तस्वीर से ही ताल्लुक़ रखनी है, खा इससे हों या उससे हों। फिरौन के मुतल्लिक अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मसाइल पेश नज़र हैं, एक है वो हामान कौन था और फिर कारून कौन था, और कारून अगर ते जुनूद के सर पर तो नहीं दिखाया गया, कुरान करीम व जुनूदा हुमा फिरौना व हामाना इनका जिक्र करके जुनूदा हुमा फरमाता है कि ये दो ऐसी ताकतें थीं जिनके अलग अलग लश्कर थे, लेकिन कारून को ख़जानों वाला बताता है, बारसूख बताता है, और ये बताता है कि हज़रत मूसा की कौम से था और हज़रत मूसा के जो मुकाबले हुए हैं उनमें ये तीनों वजूद बयाफ़त मौजूद होने चाहिए। ये वो तहकीक है, इसको आगे बढ़ाकर इन शख्सियतों का खोज लगाना और ख़ास तौर पर वो ख़जाने का दफन होना ये ज़रूरी है। ये जब तीनों शख्सियतों के समेत इस फिरौन की शख्सियत को मिनफता के ज़माने में मुंतकिल करने की कोशिश कोई करेगा तो लाजमन नाकाम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें और मुफस्सिर जो बाइबल के कमेंटेटर्स का ये तस्लीम करना कि जो इजिप्टोलॉजिस्ट ने उसका ज़माना खोला है रैमसिस का, उसके ऊपर सवाए उस ज़माने के तमाम तर तफासिल के साथ हज़रत मूसा के टक्कर लेने का मज़मून किसी और ज़माने पर साबित नहीं हो सकता, नामुमकिन है, क्योंकि इतनी वसी उसकी मुद्दत, इतनी शाहाना शान व शौकत, उसके साथ ऐसे ऐसे मददगार होना, उनका लड़ना वगैरह, ये तमाम बातें मुहक्किकीन तस्लीम कर चुके हैं। मगर उनका तस्लीम करना काफ़ी नहीं, हमारा ख़ुद रिसर्च करना लाजिम है। अभी तक आसिया के मुतल्लिक भी मुझे पूरा इत्मीनान नहीं हुआ कि ये कौन सी बीवी थी, मेरा अंदाज़ा है, मैं अभी आपके सामने रखूँगा इस्तंबात के ऊपर फर्जी अंदाज़ा में, और वो कब उसकी शादी हुई थी, और जब हज़रत मूसा पैदा हुए हैं तो उस वक्त वो थी आसिया या बाद वाली बीवी है। ज़ाहिर बात है कि कुरान के अंदाज़ से लगता है कि आसिया ही वो औरत है जिसने हज़रत मूसा को पनाह देने का नेक ख्याल ज़ाहिर फरमाया था। आसिया के मुतालिक मैंने कहा था कि मुझे पता करके बताएं कि अहादीस में कोई ज़िक्र मिलता है, ये नाम कहाँ से आया है, तो पहले मैं इसके ऊपर रोशनी डालूँ। सही बुखारी से ये हदीस मिल गई है कथित तौर पर, और इसमें ज़िक्र है औरतों में से दो ही कमाल को, एक आसिया फिरौन की बीबी, दूसरी मरियम इमरान की बीबी। ये सूरह तहरीम में है ना ज़िक्र, ये क्या आखिर पर उस तफसीर उस कुरानी आयत की तफसीर में जहाँ इन दो बीबियों का मिलता है, कुरान में मूसा फिरौन की बीवी का नाम नहीं दिया गया था, उसकी बीवी बताया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम आसिया बयान फरमाया है। आसिया नाम की तलाश जो मैंने की तो रैमसिस के ज़माने ही में एक औरत है जो उसकी बीवी कहलाती है, जो असल बिग वाइफ जो है उसकी, उसका नाम है इसोनोफरी, ISO। ये पहले तीन हर्फ जो हैं वो आसिया के पहले तीन हर्फों से मिलते हैं। इसके अलावा ना इसकी बीवियों में कोई और ऐसी है जो जिसके नाम के आगाज़ में ISO का के हरूफ मिलें, ना इससे पहले फिरौन ना मिनफता के ज़माने में। तो इसकी मज़ीद अगर हम छानबीन करें तो एक और खती सबूत मिल जाता है कि ये हज़रत मूसा जिस फिरौन के ज़माने में पैदा हुए हैं वो यही ज़माना था। अब आसिया का कुछ सबूत हमें मिल गया नाम के अतबार से, मगर एक और माना भी है आसिया में
لفظی معنی جو آسیہ لفظ کے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ بعید نہیں کہ یہ نام اس کا صفاتی نام رکھا گیا ہو. بس اس پہلو سے جب غور کر کے وہ کہاں ہیں حوالے جس میں نام کے امکانات ہیں؟ لکھ کے نیچے ہے, ہاں یہ ہے, نہیں آگے ہے. کہاں ہے؟ اس کے نیچے پڑھا تو تھا میں نے, کاغذوں میں ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا پہلے آ گیا ہے. اساہو یاسوہو اسون رابہو وعزہو, اس کا علاج کیا, اس سے تعزیت کی. ایک آسیہ کا یہ معنی بنے گا, تعزیت کرنے والی اور علاج کرنے والی. اور دوسرا جس کی طرف میرا ذہن ہمیشہ سے رہا ہے اور میں یہی سمجھتا رہا ہوں وہ ہے آسیہ علیہ حزنہ فہو آسن. یاس کے معنی جو پائے جاتے ہیں نا, غم کے معنی, یہ وہ صفاتی نام ہے. اگر صفاتی نام ہے تو اس کی بنیاد اس میں معلوم ہوتی ہے, کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بہت غمگین تھی اور اللہ کے حضور التجائیں کیا کرتی تھی کہ اے خدا اس ظالم فرعون سے مجھے نجات بخش, اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی. اور اس کے نتیجے میں اس کو مفسرین نے ایسی ایسی فرضی کہانیاں پیش کی ہیں جن کی کوئی بنیاد کہیں بھی نہ اسرائیلیات میں ہے نہ کسی اور جگہ, کہ فرعون اس کو باہر لے جا کر پتھروں پر رکھ دیا کرتا تھا اور بڑی بڑی سزائیں دیا کرتا تھا. یہ سب فرضی قصے ہیں, لیکن قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ فرعون کی حرکتوں سے, اس کے بد اعمال سے وہ سخت متنفر تھی, اور یہ دعا کیا کرتی تھی کہ مجھے اس سے نجات بخش اور جنت میں گھر عطا کر. اب وہ جو سوال ایک دفعہ پیدا ہوا تھا کہ فرعون بھی جنتی ہے تو نہیں کہیں, وہ تو نہیں کہیں بخشا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. اگر یہ بات ہوتی تو آسیہ بیچارے کی تو بڑی مصیبت بن گئی, نجات مانگے وہاں پہنچی تو آگے فرعون بیٹھا ہوا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یہ بچے خانہ خیالات ہیں. اس نے نجات مانگی ہے اور فرعون لازماً جہنمی ہے, اور آسیہ کا نجات مانگنا, جنت میں گھر مانگنا نجات کے ساتھ صاف بتاتا ہے کہ وہاں فرعون کو کوئی دخل نہیں ہوگا, اصل سکون اس کو وہاں جا کے ملے گا. تو آسیہ وہ عورت امکانی طور پر, اس سے نوفر ہے جو نام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس سے نیچے, ہاں آئسو نوفرے پاسبل نام ہے, لیکن محققین کو تحقیق کرنی چاہیے. اور ایک بات اور قرآن سے جو ثابت ہوئی تھی قطعی طور پر, استنباط ہوتی ہے کہ جب بھی اس بیوی نے فرعون سے کہا ہے کہ مجھے ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں, وہاں میں نہیں کہتی, ہم کہتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ فرعون کے دوسری بیویوں سے بھی ابھی کوئی بچے نہیں تھے. اگر کوئی بیویاں اس وقت تک ہو چکی تھیں تو اس کی اولاد دوسری بیویوں سے بھی نہیں تھی, اور یہ اس کو لالچ دے رہی ہے کہ دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اولاد ہی نہ ہو. تو لاولد مرنا فرعون کے لیے بہت ہی ذلت کا موجب تھا. غالباً اسی دلیل سے متاثر ہو کر فرعون نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ لو, لیکن اس کے بعد اس کثرت سے اس کی اولاد ہوئی ہے کہ وہ من فتح جو 60 سال کا ہو چکا تھا جب وہ بادشاہ بنا ہے, وہ 13واں بیٹا تھا, اور جس وقت یہ مرا ہے فرعون اس وقت سے پہلے پہلے 12 بیٹے مر چکے تھے. اور وہ پیدا کب ہوئے, کس عرصے میں ہوئے, اب اس کی طرف میں آپ کو قرآن اور ایجپٹولوجسٹ کے جو بھی جو واقعات ہمارے سامنے پیش کیے, قرآن کے تو قطعی ہیں, ایجپٹولوجسٹ کے امکانی ہیں, ان کے حوالے سے میں بتاتا ہوں. 60 سال کی عمر پر سب متفق ہیں, اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جب وہ مرا تھا تو 60 سال کا تھا. کتنے سال چھوٹا تھا یہ پتہ کرنا ہے تاکہ اس کی پیدائش کا پتہ چل جائے. اگر 95 کا
عقیدہ مانا جائے کہ 95 سال کی عمر میں فرعون مرا ہے اور بہت سے محققین اس کے قائل دکھائی دیتے ہیں, تو پھر یہ کتنی دیر بعد, 35 سال بعد پیدا ہوا ہے بادشاہ کی ولادت سے. اور اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بادشاہ تخت نشین کب ہوا. اس مسئلے کو جب آپ طے کر لیں گے تو تخت نشینی کے کتنی دیر بعد یہ پیدا ہوا یہ پتہ چل جائے گا. تخت نشینی کے متعلق 18 سے 29 سال تک بیان کیے جاتے ہیں. بس اگر 95 سالہ روایت درست ہے تو اس کی عمر 35 سال کی چھوٹی تھی اپنے باپ سے, فتی بات ہے. اور باپ اگر 29 سال میں فرعون بن گیا تھا, یعنی تخت نشین ہوا تھا, تو 7 سال بعد یہ پیدا ہوا ہے. اس پہلو سے بھی حضرت موسیٰ اگر اس دوران پیدا ہوئے ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر دوسری روایتوں کو مانا جائے تو پھر اس کی عمر 29 کی روایت سے تو ٹھیک نہیں بیٹھے گی, نہ 18 کی روایت سے تو ٹھیک نہیں بیٹھے گی, 29 کی روایت سے پھر بھی ٹھیک بیٹھتی ہے. یہ میکسیمم عمر جب یہ بادشاہ بنا ہے جو بیان کی جاتی ہے 29 سال ہے. میں نے اس میکسیمم پر بنا کرتے ہوئے اس کی میکسیمم عمر کے ساتھ اس کو باندھا جو 95 سال بیان ہوتی ہے, اور 35 سال چھوٹا تھا بیٹا باپ سے, 35 سال چھوٹا تھا. تو جب یہ تخت نشین ہوا کتنے سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا؟ 7 سال بعد. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے امام صاحب؟ کچھ پلے پڑا حساب کہ نہیں؟ اگر آپ کو نہیں پڑا تو باقیوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ مجبوری ہے, چاہے وقت زیادہ لگ جائے یہ سمجھا کے چھوڑنا ہے. فرعون کی عمر 95 سال بیان کی گئی ہے, زیادہ سے زیادہ 95 سال, اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے, اس پہ اختلاف نظر نہیں آیا کہیں, کہ من فتح 60 سال کا تھا جب بادشاہ بنا. جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے باپ کی عمر 95 سال تھی اور جب وہ مرا ہے اس وقت اس کی عمر 95 سال تھی, اور اس وقت من فتح کی عمر 60 سال تھی, تو 35 سال چھوٹا ہوا. کیوں جی؟ سادے واضح ہو گیا. اگر 35 سال چھوٹا ہوا تو پیدا کب ہوا؟ اب زیادہ سے زیادہ عمر کے ساتھ میں نے زیادہ سے زیادہ تخت نشینی کی عمر کو باندھا ہے فرضی طور پر, ایک امکان کے طور پر. زیادہ سے زیادہ عمر اس کی تخت نشینی کی 29 سال بیان کی جاتی ہے. ابھی 35 سال ہونے میں 7 سال باقی ہیں. 6 سال پتہ نہیں 29 سال کے شروع میں ہوا تھا بعد میں, 6 سال تو قطعی. تو یہ پھر 6 سال چھوٹا بنا. من فتح اس کی تخت نشینی کے بعد 6 سال کا چھوٹا نہیں بنا, حضرت موسیٰ سے چھوٹا بنا میرے ذہن میں ہے. اگر حضرت موسیٰ اسی سال پیدا ہو گئے ہیں یا 1 سال کے اندر پیدا ہو گئے ہیں, تو 5 سے 6 سال تک یہ من فتح حضرت موسیٰ سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اب اور کیا امکانات ہیں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ 13 بچے لڑکے اور لڑکیاں, یہ فوارہ پھوٹ پڑا ہے اس کی اولاد کا. وہ 6 سال کے اندر اندر اتنے کہاں سے آ گئے, اور یہ 13واں تھا. تو اس لیے ہمیں دوسری ایسی روایت کی تلاش کرنی پڑے گی جو مسلمہ ہوں اہل علم کو, لیکن فاصلہ زیادہ ڈال دیں. اس پہلو سے جو میں نے جائزہ لیا ہے, تو ایک روایت یہ ہے کہ 14 سال کی کتھا, 14 سال کی حکومت گزری تھی اس کے باپ سیٹی کی جب یہ تخت نشین ہوا ہے. 18 بھی بتائی جاتی ہے لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 18. اس کی رین کی عمر سیٹی کی عموماً 11 سال بتائی جاتی ہے, لیکن بعض مورخین 14 بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں, اگر یہ فرعون ریمسس
उसकी तख्त नशीनी के बाद पैदा हुआ हो तो फिर ये 14 साल का बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 13 या 14 के दरमियान, जबकि मिन फत सेटी फौत हुआ है और ये तख्त नशीन हुआ है। 14 साल की उम्र के छोटे फिरौन के मुतलिक ये तसव्वुर के उसकी एक बीवी थी और वो बच्चे के मुतलिक बातें भी कर रही थी, ये जहन कबूल नहीं करता। इसलिए ये सिनारियो कुरान करीम के सिनारियो से टकराता है, समझ गए? इसलिए तलाश करना चाहिए इसकी उम्र ज़्यादा तो नहीं। और ये जब तहकीक हमने की तो पता चला एक स्टीली पे इसी फिरौन का अपना इकरार है कि मैं जब मेरा बाप जब मना रहा था अपनी तख्त नशीनी का जश्न और लोगों के सामने पहली पब्लिक रुनुमाई कर रहा था, तो उस वक्त मैं इतनी उम्र का बच्चा था जो गोदों में भी खेला जा सकता है, मगर टॉडलर का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है, इतनी उम्र का बच्चा था कि मेरे सर पे उसने ताज रखवाया और कहा कि इसको भी साथ ही आज मेरे साथ बादशाह बनाया जाए, और ये बहुत काबिलियतों वाला बच्चा है। और फिर उसके बाद मुसलसल उसने मुझ पे एतमाद किए और मुझे अहम जिम्मेदारियां सौंपी। ये स्टीली पर इसका अपना इकरार लिखा हुआ है। बाकी फ़ख्र की बातें अगर छोड़ भी दें, क्योंकि वो इसकी आदत थी, इस हद तक ये एरोगेंट था, जिसको कुरान करीम इसको बार बार एरोगेंट जो कहता है, सारी फ्राइन है मिस्र की तारीख में, इससे बड़ा एरोगेंट फिरौन पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक एरोगेंट था कि इसका नाम बाज मुअर्रिखीन ने चिजलर रखा हुआ है। चिजलर पता है क्या कहते हैं? चिजलर वो जो क्या चीज़ होती है, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? हाँ, छैनी, छैनी, छैनी से, छैनी पंजाबी में तो कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, है? ऐसा था नहीं क्या? चीज़र उर्दू में, उर्दू की बात कर रहा हूँ। छैनी का लफ्ज़ हमने सुना हुआ है बचपन से ही, राज हमारे घरों में छैनी छैनी कहा करते थे, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। छैनी तो बाहर हाल है, पक्की बात है, कहते हैं छैनी वाला फिरौन। करता ये था कि वो ऐसे जो स्टीलिस, वो ऐसे ऐसे क्या कहना चाहिए इसको, छोटे छोटे कतबे से बड़े मजबूत ज़मीन में दफन किया करते थे और उनको गाड़ कर उनके ऊपर तारीखें लिखी होती थी या बाद में लिखते थे। वो ज़िंदा फ़राइन के ज़माने की तारीख महफूज होती चली जाती थी, और उन्हीं की दरियाफ़त ने हम दरअसल हमें फ़राइन मिस्र के हालात के ऊपर रोशन पर नज़र डालने के मौके मुहैया किए हैं। मौरखीन के नज़दीक इनकी बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन इनमें ये जो फिरौन है इसने अपने मतलब जो गप्पें मारी हैं वो सब लोग ज़रा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कबूल करते हैं, कहते हैं ये सारी मानने वाली बातें नहीं, ये चिजलर था। ये पुराने फ़राइन के जो कारनामे थे वो छैनी से उनको कटवाता था, और कारनामों को नहीं कटवाता था, नाम कटवाता था उनका, और अपना नाम लिख दिया करता था कि मैं वो जिसने ये भी काम किया, ताकि पोस्टेरिटी बाद में आने वाले जो देखेंगे तो कहेंगे ये इतना बड़ा फिरौन है। इसको चिजलर कहते हैं। चिजलर ने जो बाकी गप्पें मारी हैं वो हम नामंजूर करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी हद तक सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, मगर अपने ज़माने की तारीख को नहीं वो झूठला सकता था। इसलिए ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। सबके सामने उसने खुलम खुला अपनी पैदाइश का जिक्र किया है, वो ऐसी बात नज़र आती है कि वो लोगों के इल्म में थी, ये फर्जी बनाई हुई बात नज़र नहीं आती। अगर इस बात का किसी और हकीकत से टकराव हो तो ये भी नाकाबिल कबूल है, इससे बेइज्जती नहीं कि उसमें भी गप मार जाए, मगर ये वो गवाही है जिसका टकराव नहीं बल्कि तायीद होती है दूसरी बातों से, इसलिए रद्द करने की कोई वजह नहीं। तो ये 14 साल, 4 साल इसके पहले गुजर गए हैं, 4 साल बाद, 14 साल इसके बादशाह की बादशाहत में गुजरे। तो ये जो बाज मुहक्किकीन कहते हैं कि 18 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ था, ये बिल्कुल ठीक बैठती है बात। बस 18 साल तख्त नशीनी इसके और इसके 13वें बेटे के दरमियान
माकूल हद तक फासला पैदा कर देती है। जिसका मतलब यह है कि अगर फिरौन 95 साल की उम्र में मरा था, जो 35 साल का फ़र्क था, तो 18 साल की उम्र में ये तख्त नशीन हुआ है और 35 से 17 साल बनते हैं, तो 17 साल के अरसे में, बल्कि उससे भी 5 कम, 12 साल के अरसे में भी ऐसे फिरौन के 13 बच्चे होना नामुमकिन नहीं है जिसके हरम भरे पड़े थे और जो इस बात पर फख्र करता था कि कुछ बीवियां हैं, कुछ कॉन्क्यूबाइंस, यानी घरों में क्या कहते हैं कॉन्क्यूबाइंस उर्दू में, दाश्ताएं हैं, उनसे ऐसे बच्चों का पैदा होना नामुमकिन नहीं है। जहाँ तक एक बीवी का ताल्लुक है, इससे नौफरी, ये वही है जो बयान किया जाता है कि मिनफता की माँ थी, और मिनफता की माँ 4 बच्चों की माँ बयान की जाती है, इसके बेटों में से 4 बेटे। बस ये बात हरगिज़ बईद नज़र नहीं आती, कुरानी बयान के ऐन मुताबिक उसके अंदर फिट हो सकती है कि जब हज़रत मूसा पैदा हुए हैं, जिस औरत ने आपको अपनाया उसका नाम इससे नौफरी यानी आसिया था, उसका उस वक्त तक कोई बच्चा नहीं था, इतनी जल्दी हुए हैं हज़रत मूसा इसकी बादशाह बनने के बाद कि इसने आते ही पहले तो अहकामात जारी किए ने इनको बर्बाद कर दो मरवा दो। वजह यह है कि इसका बाप भी बड़ा जालिम और सख्त दुश्मन था बनी इसराइल का, और कहा जाता है कि उसने इसकी तरबियत इसी तरह की थी जालिम के तौर पर, तो इसका आते ही ये फरमान जारी करना कि पैलोठों को मार दो या इनके बच्चों को कत्ल कर दो, ये कोई बेईद नहीं है। उस वक्त हज़रत मूसा पैदा हुए हैं और उस वक्त तक इसकी औलाद नहीं थी। फिर आसिया को खुदा ने वो बेटा दिया, एक बेटा नहीं 4 बेटे दिए, उनमें से एक मिनफता था। आसिया ने लंबा अरसा इसके जुल्मों और इसकी बेहयाइयों के का देखा है। कुरान की दुआ से पता चलता है, जो आसिया की तरफ मंसूब हुई है, कि वो लंबा अरसा दुख उठाती है और दुआ करती है, खुदा मुझे निजात बख्श दे इससे। बस कब उसने निजात देखी हमें इसका इलम नहीं, मगर आसिया की तारीख का भी मज़ीद तजस्सुस ज़रूरी है और इस बारे में भी उलमा गौर फिक्र करें। मगर मैं ये फिर यही ताकीद करता हूँ कि मुफस्सिरीन की रवायतों पर ना जाएं, उनका बराह रास्त कोई भी इलम नहीं था, कोई रसाई नहीं थी इन हकायक की तरफ। ये बाद में दरियाफ्त होने वाले ख़जाने हैं जो ज़मीन ने उगले हैं, इनकी तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला से तईद की दुआएं करते रहें, तो हमें बहुत सारी बातों पर से पर्दे उठाने की तौफीक मिलेगी। दूसरा अहम पर्दा उठाने वाला है हामान, ये कौन था। तीसरा है कारून, और इन तीनों का रैमसिस के ज़माने में होना मुमकिन है, क्योंकि मौरखीन यही लिखते हैं कि ये पॉसिबल शख्सियतें हैं जो इस ज़माने में हो सकती हैं। हामान नाम क्या है इसकी तहकीक मैं बताता हूँ। जो अंदाजे बयान हुए हैं उनमें शेख अब्दुल क़ादिर साहब का अलफुरक़ान के मज़मून जो 1965 में शाया हुआ था वो मुझे भेजा गया है, इजिप्ट अंडर द फेरोज बाय कोई नाम है जो पढ़ा नहीं जा रहा, ब्रक्श जर्मन होगा शदील, नाम ऐसा है जो हमारे अंग्रेज़ी में आम मारूफ नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि हम बड़े कहन को कहते थे और मान आमून से लिया गया है, ये जो बात है इनकी ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमान दरअसल प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट जो हाई प्रीस्ट कहलाता था उसका टाइटल था, और हमान को इतना बड़ा मर्तबा था कि फिरौन रैमसिस ने अपने पहले बड़े बेटे को हमान ही बनाया था, और वो चीफ प्रीस्ट के तौर पर बहुत बड़ी ताकत अपने हाथ में रखता था। तहकीक से साबित हुआ है कि 30वीं सालगिरह जब उसने मनाई, वो उसका पहला बेटा है, जब
रैमसिस ने अपनी 30वीं सालगिरह मनाई है तो उस वक्त तक वो जिंदा था। उसके बाद किसी सालगिरह में जो 30 से 50 साल तक इसने मनाई जिनमें से 9 के सबूत मुहैया हो चुके हैं स्टीलीज के ज़रिए, यानी कतबों के ज़रिए पता चल गया है कि इसने फिर 9 सालगिरहें 30वीं के बाद 50 तक कम से कम बनाई हैं, उनमें कहीं भी उस हमान का जिक्र नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि वो हमान उससे पहले मर चुका था, या दूसरी सूरत में हज़रत मूसा की वापसी से पहले वो ख़त्म हो चुका था। इसलिए गरकाबी के वक्त उसका लश्कर अगर था तो किसी और हमान के नीचे था, उसके नीचे नहीं था। और वो हमान जिसको फिरौन कहता है कि मेरे लिए इमारत बना, वो कोई और हमान है। एक ये तयशुदा हकीकत है, कुरान फरमा रहा है कि फिरौन ने हमान से कहा था कि मेरे लिए इमारत बना, और तारीख साबित करती है कि वो हमान जो इसका बेटा था वो हज़रत मूसा की वापसी से पहले मर चुका था, और मुकाबलों के वक्त ये वहाँ मौजूद नहीं था। बल्कि ऊपर के बेटे इतनी जल्दी जल्दी मरे हैं इसके कि 13 बेटे अपनी वफात तक अपनी आँखों के सामने ये देख चुका है मरते हुए। बहरहाल जनूदा हुमा का जो ज़िक्र कुरान करीम में मिलता है, इसकी मज़ीद तहकीक चाहिए। इसकी जो हमने तहकीक की है उससे पता चलता है कि फिरौन के की 2 आर्मीज थी इस रैमसिस की। ये एक मज़ीद सबूत मिल गया है कि यही रैमसिस था, कोई और नहीं था। वो कहाँ है हवाला जो साले सफ़ी ने हज़ार में, ये है His army composed mainly of Egyptians, but also including a large body of foreign mercenaries, consisted of 4 divisions named after gods. One of the divisions was Amun, which is Haman. इस division का जो सरदार है वो हमान कहलाएगा। तो वो जो चीफ इसका वज़ीर है या जो भी उसका सबसे बड़ा रुकन अपने बाद नंबर 2 आता है वो हमान ही है। वो चीफ प्रीस्ट भी था, लेकिन हमान चीफ प्रीस्ट और हमान लश्कर का सरदार, ये एक ही थे या 2 थे, ये एक और बहस उठ खड़ी हुई है। मेरे नज़दीक 2 थे, एक हामान है जो चीफ प्रीस्ट है, लेकिन एक लश्कर का सरदार है। ये इसलिए मैं कहता हूँ 2 थे कि अगर ये बात तस्लीम है कि ये फॉरेन थे, फॉरेन बॉडीज़ के थे, तो फिर 2 इम्कानात हैं। या तो ये ख़ुद उन्हीं में से कोई था जो इजिप्शियंस नहीं थे बल्कि बाहर के थे, या फिर किसी इजिप्शियन हामान को जो चीफ प्रीस्ट भी था उसका लश्कर का सरदार बनाया गया, जिसमें एक मेजर लश्कर फॉरेनर्स पर मुश्तमिल मगर हामान नाम का था, ना अमून नाम का। ये शक्ल बन रही है। तो कुरान करीम का ये फरमाना कि जनूदा हुमा कानू खातेन, कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर दोनों के 2 अलग अलग लश्कर दोनों खातेन थे, ये एक और हैरत अंगेज़ कुरान करीम की सदाकत का सबूत मुहैया होता है। इतनी बारीकी से उस रैमसिस के ज़माने की तारीख का कुरान करीम ज़िक्र फरमाता है कि मौरखीन जिसको बाद में आने वाले स्टीली की मदद से पढ़ पढ़ कर तस्लीम करते हैं, हाँ ये भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा। कुरान 1400 साल पहले ये सब बातें बयान कर चुका है, और ये बातें मिन फतह पे फिट नहीं आ रही। तो मिन फतह वाले अब कहाँ जाएंगे? 100% इस पर आती हैं। फिर मिन फतह तो हज़रत मूसा से बहुत छोटा था, उसका यह खिताब करना कि तू हमारे सामने बच्चा पैदा हुआ, वो अपने से 20 साल बड़े को कोई कह सकता है इस तरह तू हमारे हाथों में पैदा हुआ है बाबा जी? ये नहीं कह सकते। बिल्कुल कती है, इसमें मुझे ज़र्रा भर भी शक नहीं कि कुरान करीम एक ही फिरौन की बात फरमा रहा है
जिसके ज़माने में मूसा पैदा हुए, उसकी बीवी के हाथों में खेले और पले और जवान हुए, और उसी ज़माने में हिजरत फरमाई, उसी के ज़माने में 40 साल के अंदर अंदर वापसी हुई, और मिनफता का ज़माना उससे बहुत अभी पीछे पड़ा हुआ है। फिर वो मुकाबले हुए और उनको, उन लोगों को शिकस्त फाश दी। ये जो हवाला है ये चेंबर्स इंसाइक्लोपीडिया से लिया गया है, ये जो लश्करों का हवाला था। अब वो दूसरा खत का हवाला कहाँ, ये है, नहीं वो कहाँ है, जो बहुत अहम हवाला ये निकला है गालिब। मैंने एक स्टीली का जिक्र किया था जिसमें मिनफता ये फ़ख्र करता है कि मैं वहाँ जाकर हमला करके इनका बीज मार आया हूँ, इसराइलियों का बीज ही मार आया हूँ। मैंने उससे इस्तंबात किया था कि अगर यहाँ इतने लंबे चौड़े झगड़े हों, इस कदर कसरत से इसराइली हों, तो उसका वहाँ जाके बीज मारने का क्या मतलब है, यहाँ क्यों नहीं मार के दिखाता। उस सिलसिले में मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा था कि कोई ये इस्तंबात कर सकता है कि इनसे चूँकि खिदमत लेनी थी इसलिए बाहर वालों के दुश्मन बना हुआ है, लेकिन ये भी बेइज्जत क्यास बात है। यहाँ झगड़ों में मुलव्वस आए दिन उसके लिए मुसीबतें, बीमारियाँ, इब्तला, और फिरौन अपनी ताकत और दावों के बावजूद एक ऐसे आदमी के हाथों में विवश दिखाई दे रहा है जो उसकी कमीन कौम से ताल्लुक़ रखता है, जिसको वो कमीन देख रहा है, कमीनी आम काम करने वाली, दावे बड़े बड़े करता है कि मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ, वो जब टक्कर लेता है उसको कत्ल का इरादे भी करता है, कुरान ये भी बता रहा है, लेकिन मजबूर हो जाते हैं, आखिरी वो फैसला करने से बाज रहते हैं। कोई ताकत देख रहे थे हज़रत मूसा के अंदर जिसने उनको मजबूर कर रखा था। उस ज़माने में उसको फुर्सत कहाँ से मिली कि वो बाहर जाके हमले करके इसराइलियों के बीज मारता। ये इस्तंबात सिर्फ मेरा ही नहीं, अब ये सालेह सफ़ी ने ये हवाला दिया है मुझे, हिस्ट्री ऑफ द हिब्रूज टू द रोमन पीरियड, ए आर ऑटले। ये कहता है कि ये स्टीली से, इस स्टीली से बहुत से मुहक्किकीन ने ये कती नतीजा अखज किया है कि जिस वक्त ये मिनफता बादशाह बना है उससे पहले हिब्रू तमाम तर इस जगह को छोड़ चुके थे और मुल्क के अंदर उनका कोई निशान नहीं मिलता था। इसलिए इसने स्टीली के जो अल्फाज हैं, कहते हैं हमने उनका गौर से मुतालिया किया है, उन स्टीली के अल्फाज से बहुत अहम मुहक्किकीन ये नतीजा भी अखज करते हैं कि वहाँ बीज मारा या नहीं ये तो अलग बात है, शेखी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं थे। और इस बात को तकवीयत मिलती है कि वो बाप का इंतकाम ले रहा था। अब बाप का इंतकाम जो ले रहा था उस सिलसिले में खुदा ने उससे क्या इंतकाम लिया, इसके मुतालिक मैं अब आपको बताता हूँ। रेमेसिस का जो ज़माना बनता है वो मैंने बयान किया था ना, हज़रत मूसा की वापसी 40 साल से तो पहले है बहरहाल, क्योंकि कुरान करीम से पता चलता है कि जब नबूवत की उम्र को पहुंचते हैं और 8 साल का अपना मुआहदा पूरा कर लेते हैं तो उसी वक्त वो ख़ुद भी मज़ीद वहाँ नहीं रहना चाहते, इजाज़त लेते हैं, क्योंकि अगर 10 साल का था तो फिर इजाज़त का सवाल ही कोई नहीं था। इजाज़त लेना बताता है कि मुआहदे की आखिरी मुद्दत अभी नहीं पहुँची थी, 8 वाली मुद्दत ही आई थी, वो अपने खुसर से इजाज़त लेते हैं कि मुझे इजाज़त दो, अब हम ने जाने का फ़ैसला कर लिया है। उस वक्त खुदा उनको नबी बनाता है और ये फरमाता है कि अब तू उस उम्र को पहुंचा है जो मेरे काम की उम्र है, बस मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है। तो ये हिसाब करके जो 40 साल से तो लाजमन कम है, अंदाजे लगाकर एक तखमीनन मैंने कहा था ये बईद नहीं कि अर्ली उम्र में आपको नबूवत मिली हो, क्योंकि खुदा का ये बयान करना कि हम तेरी तू उम्र को पहुँचा है तो हमने बना दिया है, इसका मतलब है कि मुहक्किकीन और उलमा के नज़दीक जो नबी बनने की सबसे छोटी उम्र साबित शुदा है,
اگر اس وقت حضرت موسیٰ کو بنا دیا گیا ہو تو قرآنی بیان کے مطابق ہے, اس کے مخالف نہیں. سمجھ گئی سمجھ آگے بات. اس صورت میں 33 سال کا ایک اندازہ تھا, تبھی میں نے 25 سال کی ہجرت کا نکالا تھا. ہجرت 20 سے لے کر یعنی طاقتور کی عمر ہونے کی لحاظ سے 30 سال سے زیادہ نہیں بیان کرتے لوگ, جو مفسرین بائبل وغیرہ کے بھی ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ 30 بتاتے ہیں. کہتے ہیں ایک صرف ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ہجرت کی تھی, 40 سال وہاں رہے تھے اور 80 سال کی عمر میں واپس آئے تھے. یہ ایسا فرضی قصہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں, ساری تاریخ بگڑ جاتی ہے, قابل قبول نہیں رہتی. بس قرآن ہی ہے جو ہم فیصلہ کن ہے. اس کی روح سے واپسی کے وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی یا زیادہ سے زیادہ 40 کی, ٹھیک ہے؟ 33 سال کی اگر تھی تو آپ کتنا چھوٹے تھے فرعون سے. وہ بیٹا من فتح تو 30 سے 35 سال تک چھوٹا تھا, لیکن چونکہ حضرت موسیٰ سے چھوٹا تھا اس لیے میں نے بتایا کہ وہ اس کے درمیان فاصلہ ڈالنا پڑے گا. حضرت موسیٰ بہرحال 33 سال چھوٹے تھے اگر یہ 33 سال کی عمر میں واپس آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے وہاں 25 سال گزارے, 25 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو 25 سال گزارے, اور آپ کے بعد چونکہ وہ دوسرا فرعون جو پیدا ہوا وہ 33 سال اپنے باپ سے 35 سال چھوٹا تھا, تو جب آپ نے ہجرت کی ہے 25 سال کی عمر میں تو اس وقت وہ پیدا ہو چکا تھا, کیونکہ وہ باپ کی عمر سے چھوٹا تھا نہ کہ باپ کے تاج پوشی کی عمر سے چھوٹا تھا. اتنا اس لیے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, میں دور کرنے کی خاطر دوبارہ واپس آپ کو لے جا رہا ہوں. وہ اگر 18 سال پہلے پیدا ہو چکا تھا فرعون, تو 18 سال میں حضرت موسیٰ کے 25 ڈالیں جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کتنا بنا, وہی بن گیا. تو 33 سال کے تھے جب حضرت موسیٰ نے ہجرت کی. اگر وہ 35 سال چھوٹا تھا باپ سے تو پھر کتنا بنتا ہے وہ, وہ یعنی کب پیدا ہوا پھر؟ وہ 17 سال کا تھا جب بادشاہ, 17 سال بادشاہت کر چکا تھا تو وہ پیدا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ کی ہجرت سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا. ہجرت سے واپسی کے وقت ایک لڑکا تھا لیکن بہت پختہ عمر کو ابھی نہیں پہنچا تھا, یہ شکل بن رہی ہے. لیکن جب مقابلہ ہوا ہے حضرت موسیٰ کا تو مقابلہ کے بعد ختم کب ہوا, اب یہ بحث ہے. میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بتایا تھا کہ امکان ہے اس بات کا کہ 8 سے 10 سال تک عرصہ ضرور گزرا ہو. میں نے جب مزید چھان بین کی کل اور آج کے درمیان, مختلف ہماری ریسرچ ٹیموں کو بیچاروں کو لگایا ہوا ہے, بعض ان میں سے بڑی محنتیں کر رہے ہیں, بچیاں خاص طور پر ساری ساری رات بیٹھ کے وہ اگلی صبح کے لیے تیاری کرتی ہیں, اور بعض بڑے اچھے اچھے حوالے نکال لاتی ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے جو ریسرچ کی اس کی روح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرعون, ان کی ریسرچ کے بعد آئے گی بات, پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم اس کی رخصت کریں. ان کی ریسرچ سے ایک بات مل گئی ہے بہرحال, کہ بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ عرصہ غالباً 10 سال کا تھا. سمجھے؟ تو وہ جو میرا اندازہ تھا اس کے ساتھ محققین کی رائے بھی متفق ہو گئی, اور قرآن کے اوپر چونکہ میرا اندازہ تھا اس لیے قرآن کی ایک اور شان ابری ہے کہ قرآن کی آیات کے مطالعہ کر کے جو تم اندازے لگاتے ہو وہ بھی درست نکلتے ہیں. یعنی قرآن سے ایک استنباط کے طور پر تھا نا, لیکن محققین نے اپنے جائزے اور امور پر جو دریافت ہوئے ان پر کیے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی عمر 43 سال کی تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی, ٹھیک ہے؟ فرعون اگر 18 سال کا تھا جب وہ بادشاہ بنا تو 18 جمع 43 61 یہ عمر بنتی ہے اس کی جب وہ غرقابی کا واقعہ اس کے اوپر پیش آیا ہے. اس عمر کے وقت من فتح کتنا بڑا تھا؟
61 से अगर वो 30 साल छोटा था तो 31 साल का था, अगर वो 35 साल छोटा था तो फिर 36 साल का बन ना वो 26 साल का बनता है। तो मिनफिता अभी लड़का ही था जब ये वाक्या पेश आ गया है। देखना यह है कि उस उम्र के बाद जो बयान की 61 की उम्र है, उस वक्त से मौत तक क्या वो एक सजा याफ्ता के तौर पर जिंदा रहा है और इबरत का निशान बनकर जिंदा रहा है, या उसी शान शौकत का फिरौन था जो पहले था। इस मजमून पर लाने के लिए मैंने सारी ये तंबीह दोबारा बांध कर आपके जहनों को तैयार किया है कि आप कबूल कर लें इसको, यानी समझ सकें। रैमसिस के साथ जो हुआ है उसके मुतालिक तहकीक हमें बताती है। पहली बात तो 1881 में रैमसिस और सेठी दोनों की ममीज दरियाफ्त हुई हैं। 1881 में, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के ज़माने के से बहुत करीब आ चुका है मामला। 82 में आपको इल्हाम मामूरियत हुआ है और 81 में ये दरियाफ्त हो चुका था। बस इसकी लाश का मसीह मौऊद के ज़माने में दरियाफ्त हो जाना, ये मज़ीद मेरे मौक़िफ़ को तक़वीयत दे रहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हक़ में जो खुदा ताला ने ख़ज़ाने उगले हैं या सबूत मुहैया फरमाए हैं, उनमें ये भी था कि ये हो चुका था। जो मिनफता है वो बात की दरियाफ्त है, समझे हैं, लेकिन ये जो दो हैं ये इकट्ठे 81 में दरियाफ्त हो चुके थे। रैमसिस वॉज टॉल एंड वेल मेड, हिज इलोंगेटेड हेड वॉज स्मॉल इन रिलेशन टू हिज बॉडी and he had a bald skull, he was about 6 feet tall. ये मम्मी से जो इन्होंने पढ़ा है, ये किस्से कहानियाँ नहीं, मम्मी ने बताई है खुद अपनी कहानी खुद, कि ये 6 फुट का लंबा था, इसका जो सर था वो अपने बॉडी के नस्बत से ज़्यादा ऊँचा था। एक आली मुतकब्बिर और एरोगेंट फिरौन का सर लंबा बड़ा ही होना चाहिए, वाकई फूला हुआ था ज़ाहिरी तौर पर भी। Medical studies show he died in advanced old age, perhaps in his 90s. तो 90 से 95 साल का जो तसव्वुर है उसको medical studies support कर रही हैं, इसलिए यह अब महज फर्जी बात नहीं रही। X-rays of his bones show arthritis of the hip, which would have caused him to walk with a painful limp. इसका तकब्बुर तोड़ना जो है वो इस तरह भी था कि जिस फख्र से वो कदम मारा करता था ज़मीन पे, उसकी एक टांग लंगड़ी कर दी गई थी और शदीद तकलीफ़ होती थी उसको चलते वक्त, इसलिए वो लिंप करके आखिरी उम्र में चला है। एक्सरेज ऑफ हिज बोन शोज़, ये तो हो गया। देन ही हैड ए सीरियस प्रॉब्लम विद हिज टीथ, द बोन नियर द रूट्स बीइंग बैडली पिटेड with abscesses causing unpleasant breath. ये कहते हैं कि unpleasant breath जो उसका था, उसको ज़रा माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल किया है, नहत offensive breath का नक्शा खींचते हैं। कहते हैं जो दांतों का हमने मुआयना किया है उससे पता चलता है उसकी जड़ों का कि नहत तकलीफ दे बीमारी थी दांतों की, जो एक अजाब में मुबतला रखती है इंसान को, और उसके अलावा मुंह से सख्त बदबू फूटती थी। एक ये नक्शा है जो मेडिकल हिस्ट्री से हमें मिलता है। दूसरा, डॉक्टर रोजली डेविड, मिस्ट्रीज ऑफ द ममीज 1978, रैमसिस के मुतल्लिक कहती हैं कि हमारी तहकीक के मुताबिक उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस था जो एक कई साल से डेवलप हो रहा था, जिसका मतलब यह है कि जब वो हज़रत मूसा से मुकाबला हुआ है उसके बाद जो बकिया 30 साल में हैं उसमें इसको ये बीमारी भी हुई जिसने इसको चलने फिरने से भी माजूर रखा और तकलीफ़ पैदा हुई, फिर दांतों की बड़ी शदीद बीमारी हुई जिसके मुताबिक डॉक्टरों ने बाज़ों ने लिखा है कि इसी बीमारी से ये मरा है और बड़ी तकलीफ़ में मरा है।
और फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुई, जिसने बिलअमूम इसको याददाश्त को कमज़ोर किया, हिम्मत को कमज़ोर किया। और अगरचे ये तो कहा जा सकता है कि इसके होश व आवास आखिर वक्त तक कायम थे, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं मिलती, मगर होश व आवास का कायम होना इन तकलीफ़ों में कोई ख़ास मददगार नहीं बनता। लेकिन जब ये मरा है तो एक लंबे अरसे तक इनइफेक्टिव होकर मरा है। चुनांचे मौरखीन जब इसकी तारीख के आखिरी दौर का ज़िक्र करते हैं तो कहते हैं वो उम्र जो हज़रत मूसा के मुकाबले की उम्र हम बताते हैं, जब ये 61 का था और हज़रत मूसा बाहर निकल गए, उस उम्र के बाद की इसकी तारीख बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, तमाम शान शौकत इससे जाती रही है, उसके बाद उसके कोई हमले नहीं मिलते। इसलिए कहीं मैंने ये एक दफ़ा पहले कहा था कि इसने बाद में भी इसराइल पे हमले किए हैं, वो गलत है बात। मैंने जो खूब अच्छी तरह तहकीक की है ये बात कतई तौर पर साबित है, और वो बात मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाती थी, मगर चूँकि मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था इसलिए मजबूर था बयान करने पर। ये दुरुस्त बात है कि उस 61 की उम्र के बाद इसके कोई बैरूनी हमले साबित नहीं हैं, और दिन ब दिन इसकी हुकूमत को डिक्लाइन हुआ है, सुकड़ी है, दूसरे हमलावर तेज़ हुए, दो आबादियाँ जो बाहर की थी मिस्र की वो हाथ से जाती रहीं, और इन्हेतात शुरू हो चुका है मुसलसल। बस कुरान करीम का ये बयान भी दुरुस्त है कि इस वाक़या के बाद वो ज़मीन जो है वो सरज़मीन वहाँ से इन लोगों की शान शौकत जाती रहेगी और उनसे कदम उखेड़ दिए जाएंगे और इस सरज़मीन का वारिस बनी इसराइल बनाए जाएंगे। वो जो मुस्तज़फ़ीन फ़िल अर्द हैं, जिनको बेताकत समझा गया है, बाज़ लोग समझते हैं आज हुआ, आज पेशगोई कल फौरन पूरी, ये बात नहीं हुआ करती। कुरान करीम से पता चलता है कि बाज़ दफ़ा लंबे वक्त लगते हैं तैयारियों में। बस ये वो तैयारी का दौर है जिसमें इसकी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जिसको लाजमन अगर मेरा नज़रिया दुरुस्त है, उसके सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा, ये मजबूरी है, तो फिर ये वही फिरौन है जो डूब कर निकला है मगर बद हालत में निकला है। बाद में ज़िंदा रहा है तो बीमारियों के सूरत में मफलूज सी ज़िंदगी गुजारी है, इसकी सल्तनत की शान और शौकत हाथ से जाती रही, और आखिर जब ये मरा है तो मिनफता ने अपने बाप की इन तलख यादों के नतीजे में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उन इलाकों में हमले किए हैं जहां हज़रत मूसा और आपके साथी जाकर आबाद हुए थे और आबाद होने के लिए कोशिश कर रहे थे कम से कम। तो इसको ये तो नहीं मालूम हो सकता था कि इस वक्त मूसा और आपका लश्कर कहाँ है, लेकिन जो चंद लोग उस इलाके में, फ़लस्तीन के इलाके में इसको मिले हैं, या तो वाक़ियतन सफाया कर दिया इनका उनका इसने ये समझते हुए कि यही इसराइली हैं, या फिर झूठ बहुत बोला, गप्पे मारी हैं, मार कुटाई की होगी, वापस आ गया, लेकिन बीज तो रहा, और ऐसा बीज रहा कि कुछ देर के बाद फिरौन और उसके ख़ानदान का बीज उसकी कौम का मिस्र से मिट जाता है, क्योंकि मिनफिता के ज़माने में इन्हेतात जारी रहा है बावजूद इन हमलों के, और इसके बेटों के दौरान बड़ी तेज़ी से फिर ये हुकूमत हाथ से गई है। फिर ग्रीक्स का हमला हुआ है जिसने हमेशा के लिए इनके दौर का खात्मा कर दिया है, और ग्रीक्स के हमले के नतीजे में फिर बनी इसराइलों को खुदा ने फतह का रास्ता दिखाया। अल्लाह की तकदीर देखे कैसे काम करती है, क्योंकि ग्रीक्स जो थे उन्होंने हज़रत ईसा का पैगाम कबूल किया है, और बहुत हद तक हम ग्रीक ज़ुबान के मोहताज हैं असल बाइबल को तक पहुंचने, और जो भी बाइबल थी ग्रीक ने उसमें बहुत किरदार अदा किया, क्योंकि इजिप्ट पर ग्रीस का कब्ज़ा बहुत लंबे अरसे तक से चला आ रहा था, और वही कब्ज़ा है जो एक अजीब रंग में इंतकाल इक्तदार का मुजीब बना, क्योंकि जो फिरौन के मुल्क पर काबिज थे वो ईसा के ग़ुलाम बनाए गए और बनी इसराइली उस पर काबिज हो गए। तो अल्लाह ताला के वादे इस तरह पूरे होते हैं, लेकिन
ये नहीं कि आज बात हुई और कल अचानक हो गया, तारीख बदलाई जाती है और हैरत अंगेज तारीख पर अल्लाह ताला तसल्लुफ़ फरमाता है। बस ये वो फिरौन है और ये उसका अंजाम है जो मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद अगर कोई एक और कहता है कि इन द लेट पीरियड ऑफ हिज लाइफ रैमसेस सेकंड बिकेम सेनाइल एंड मैनी रिबेलियंस ऑन द बॉर्डर ग्रू, जो मैंने हवाला दिया है, इस ये किताब है जे ई बेरी, एस ए कुक एंड एफ ई, ये क्या है, एलॉक, द कैम्ब्रिज एंशंट हिस्ट्री, कैम्ब्रिज द कैम्ब्रिज एंशंट हिस्ट्री में, ये जो 1924 में शाया हुई थी उसमें ये जिक्र मिलता है। द वॉरियर्स फेरोज लियोनार्ड कॉटरेल, एवंस ब्रदर्स लिमिटेड 1968 में भी इसी से मिलते जुलते मज़मून की बातें मिलती हैं। लेकिन अब मैं इसको कंक्लूड करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सब बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि रिसर्च जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये दरअसल मुझे इस मौक़िफ़ से कोई मोहब्बत नहीं है कि फिरौन डूब कर बच गया हो, हरगिज़ कोई ताल्लुक़ इस मौक़िफ़ से नहीं, मेरे मिजाज के बरक्स मौक़िफ़ है। मेरा दिल तो यही चाहता है कि उस फिरौन की लाश दस्तयाब हो जाए जिससे मूसा ने टक्कर ली हो और वो डूब के मर भी गया हो, तो फिर हम वो माना ले लेंगे कि जिस्म बचेगा मगर जान नहीं बचेगी। लेकिन चूंकि शवाहिद मुझे मजबूर कर रहे हैं, तमाम तर तारीखी शवाहिद इस बात के सिवा मेरे लिए रास्ता कोई नहीं छोड़ते कि उस आयत का ये तर्जमा करूं कि तेरी रूह की निजात का वक्त या ईमान लाने का वक्त अब नहीं है। हाँ, जिस्मानी ज़िंदगी की निजात देना अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए डूबने के बावजूद तुझे हम ज़िंदा रख सकते हैं, लेकिन ज़िंदा रहोगे तो तब भी ईमान से कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं पहुँचेगा। ये जो दायमी असूल कुरान करीम में बार बार बयान हुआ है कि मरते वक्त की तौबा कबूल नहीं की जाती, ये उस तरफ इशारा है। अगर वो तौबा खुदा कबूल फरमा लेता तो फिर इसकी इसको जन्नत में जाना लाजिम था, ये इस्तंबात है। लेकिन ये मेरा ऐसा मौक़िफ़ नहीं जिसको मैं कहूँ कि इसके सिवा दूसरा मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुमकिन अगर है तो दिखाओ कि क्या मुमकिन है। मेरी वो शिकस्त भी मेरी फतह ही होगी, क्योंकि मैं तो कुरान की मोहब्बत में कुरान का एजाज दिखा रहा हूँ और कुरान को एक ज़ालिमाना इतराज़ से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कुरान की मदद से कर सका हूँ। कोशिश इस तरह नहीं कर रहा कि गिरा पड़ा कमज़ोर आदमी उसको मैं बचा रहा हूँ। जब मैंने कुरान का मुतालिया किया तो कुरान में इतने कवि दलाइल अपने दिफा के मौजूद थे कि उनकी रोशनी ही से मैंने वो तारीख पढ़ी जो इससे पहले कभी किसी ने फिरौन की तारीख को इस हवाले से नहीं पढ़ा था। और मेरे नज़दीक तमाम बातें जिग्सा पज़ल की तरह खुलकर अपने अपने मकाम पर बैठ गई हैं। बस अगर किसी ने इख्तलाफ़ करना है तो गुनाह नहीं है, तकवा से इख्तलाफ करो, मगर बारे सबूत अब तुम पर है। वो फिरौन दिखाओ जिसके ज़माने में कुरान के बयान करदा वाक़यात फिट बैठते हों, इतना लंबा अरसा उसको मिलता हो, जिसके मतलब इंसाइक्लोपीडिया में एक और किताब है जिसमें ये लिखा है कि अक्सर बेहतरीन मौर्रिखीन जो दानिशवर लोग हैं वो ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि रैमसिस के ज़माने में मूसा का की टक्कर हुई थी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तमाम बातें जो उसकी तारीख की हमें दिखाई देती हैं वो मूसा के वाक़यात से ही मुताबिकत खाती हैं, और उन वाक़यात में बाइबल जहाँ कुरान से मिलती है वो उनके पेश नज़र हैं। तामीर वाला फिरौन, उसकी बड़े बड़े दबदबे, उसके ज़माने में एक अलग लश्कर का मौजूद होना जो एक और सरबराह के ताबे बड़ी ताकतवर लश्कर था, ये हवाले देकर और बातें बयान करके वो यही नतीजा निकालते हैं। बस अगर कोई ये साबित कर दे कि फिरौन रैमसेस नहीं था बल्कि कोई और था तो ये सारे लश्कर उठाकर उसके ज़माने में दिखाने पड़ेंगे, उसके ज़माने की एक आसिया दिखानी पड़ेगी,
उसके ज़माने उसके उसके ने आसिया तो पहले मानते हैं ना, उसके ज़माने में उसका जाओ हश्म, उसके तामीर करना शहर के शहर, और बनी इसराइल की वो जो टक्कर और वो सारी बातें फिरौन से, वो निशानात का बार बार नाजिल होना, ये सारी बातें वहाँ दिखानी पड़ेंगी। अगर दिखा देंगे तो फिर भी मैं ही जीतूँगा, क्योंकि कुरान की जीत मेरी जीत है। फिर मैं कहूँगा हाँ, कुरान के मुतल्लिक अब ये मौक़िफ़ भी साबित हो गया है कि जो फिरौन था वो ये था और मर गया था, तो मेरा क्या नुकसान है, मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो घबराएं नहीं मेरे मुतल्लिक, मुझे खुदा के सुपुर्द रखें और अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तहकीक करके साबित करें। मैं एक दो तस्वीरों के हवाले देकर कह देना कि जी भी और फिरौन था, ये नाकाबिले कबूल है, क्योंकि वो मौक़िफ अब तक जो मैं साबित कर चुका हूँ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान करीम को झुटलाए बगैर कबूल हो ही नहीं सकता। मिन फ़ज़ा तक पहुँचने के लिए आपको, जबकि कुरान से ये साबित हो चुका हो कि आगाज़ ही में रमसिस के आगाज़ ही में मूसा पैदा हुए थे, इतना लंबा अरसा गुजर जाता है कि कुरान का ये कती बयान कि 40 साल की उम्र से पहले पहले वापस लौट आए हैं, उसको झूठा किए बगैर आप मिन फ़ज़ा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब तक कुरान से जायज़ रास्ता नहीं निकालते, मैं आप कभी इजाज़त नहीं दे सकता कि कुरान को झुठला कर मिन फ़ज़ा के अंदर दाखिल हों। ये जज्बाती किस्से हैं आपका, इनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इजाज़त चाहता हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर तफसीर का मामला परसों से शुरू होगा। आज मैंने कहा था ना जुमेरात तक मैं कर लूँगा, असल में जुमेरात का लफ्ज़ जो मैं बोल गया था, मुझे ये भी होश नहीं थी कि आज जुमेरात है या बुध है, तो मैं समझा था बुध, आज बुध है और जुमेरात तक मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फजल फरमा दिया। ये जो है ना, जब इंसान एक गुफ्तगू कर रहा है तहकीकी उमूर में और डूब कर करता है, तो बाज़ दफ़ा माफिया से आदमी बिल्कुल बेखबर हो जाता है। अचानक इंसान जाए भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वो माफिया से अलग हो जाता है। वो जो आयत का आपको याद है जो मैं बयान कर रहा था, इन्ना फी खल्क़ी समावात वाली आयत का मज़मून, अब वो हज़ारों दफ़ा तलावत की है, वो पता है कि इस आयत के सर पर है वो जो आयत बाद में आने वाली थी, लेकिन अकेली आयत के मज़मून में उस हदीस के हवाले से ऐसे नशे की कैफियत थी कि इर्द गिर्द की कोई होश ही नहीं थी। तो जब वो हवाला आयत पर, मैंने कहा नहीं ये तो और आयत है, ये तो अलग है। ये वो बताना चाहता हूँ कि एक इंसान जब एक मज़मून में डूब कर महवियत के आलम में गुफ्तगू करता है, तो कुछ दिन के देर के लिए माहौल के में वापस आने के कुछ बाद वक्त लगता है चलने में। जिस तरह अंधेरे से रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं तो आँखों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आपने ताजुब, आपको भी हुआ था फिर मुझे भी हुआ कि मैं क्या बात कह रहा था, लेकिन उसका जवाब मौजूद है। तो इंशाल्लाह फिर अब तफसीर कुरान के सिलसिले में परसों से फिर असर नौ, जहाँ से हमने वो ज़िक्र छोड़ा था आखिरी आयात, उनसे इंशाल्लाह तफसीर शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।